सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपको 3D मैक्स के दूसरे जादू के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला जो जादू था वो था रीनिंग बिट मैप का, कि कैसे हम अपने जो मिसिंग टेक्सचर है उसको वापस ला सकते हैं। और जो दूसरे आज हमारा जादू है उसका नाम है कॉपी एंड पेस्ट स्क्रिप्ट। तो इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने से हमें क्या फ़ायदा होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले जैसे आपके पास ये रीनिंग बिट मैप का ऑप्शन है, आपके पास अब डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा समझिए, जैसे आपके पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन उसको हमने दूसरी स्क्रीन में जाकर पेस्ट कर दिया। तो ये ऑप्शन हमें पहले से नहीं मिलता है, इसके लिए हमें पहले स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी पड़ती है कॉपी एंड पेस्ट की। तो चलिए पहले मैं आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। तो हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आप नॉर्मल अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। आपने ऊपर सर्च करना है कॉपी पेस्ट 3ds Max 2022। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट स्पोर्ट के नाम से एक साइट मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपको scriptsport.com के नाम से ये 3ds Max में स्क्रिप्ट मिलेगी। आपको इसे ओपन करना है लिंक को और ये अटैचमेंट के नीचे एक आपको लिंक मिलेगा, आपको जस्ट इस पर एक क्लिक करना है और आपकी ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड करके रख रखी है, तो मैं आपको डायरेक्ट वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं मेरे पास कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्ट की स्क्रिप्ट पहले से ही है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है अपने 3ds Max में। तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले आएंगे स्क्रिप्टिंग पर, रन स्क्रिप्ट, और यहाँ से हमें इस फाइल को चूज कर लेना है और यहाँ से हमें इसे कर देना है ओपन। फाइल को सेलेक्ट कर लेना पहले और देन उसे हम करेंगे ओपन। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर आइकन शो करने के लिए हमें, जैसे हमें रीनिंग बिट मैप ने किया था कस्टमाइज पर जाकर, हमें वही प्रोसीजर दोबारा यहाँ पर है। तो हम पहले जाएंगे यूज़र इंटरफेस पर, आप ये देखते ऑल कमांड्स पे जाकर पहले आप ऐसे दो डायलॉग बॉक्स आप बना लीजिए न्यू कर। मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर न्यू करना है और एक डायलॉग बॉक्स बना लेना, उसको कुछ भी नाम लिखना। तो अब यहाँ पर हमें इसको नीचे ढूंढना है। तो जो कॉपी की आपको स्क्रिप्ट मिलने वाली है वो मिलेगी कॉपी पेस्ट, या कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू फाइल। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ से इसको ड्रैग कर इस डायलॉग बॉक्स में छोड़ देना और इस डायलॉग बॉक्स को आपको उठाकर ऊपर रख देना। तो ये आपका जो है पहले कॉपी का बन चुका है। सेम आपको ऐसे पेस्ट का भी ढूंढना है इसके अंदर। तो हम नीचे आ जाते हैं, तो ये आता है यहाँ पर पेस्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फाइल। तो यहाँ से इसको ड्रैग कर हमें इस डायलॉग बॉक्स में लाना है और इस पूरे डायलॉग बॉक्स को ड्रैग कर हमें ऊपर ले जाना है और इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो आप ये देख सकते हैं ये कॉपी का है और ये पेस्ट का है। तो कॉपी को पहले हम आप इसको राइट क्लिक करिए और एडिट बटन अपीयरेंस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको लेबल पे जाकर कॉपी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉपी का आ चुका है और नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं यहाँ पर पेस्ट का। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो, मैंने पेस्ट रखा है नॉर्मल। आप ये देखते कॉपी पेस्ट का आ चुका है। तो अब मैं आपको इसका यूज़ करना सिखा देता हूँ, इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आपको कोई भी फाइल इम्पोर्ट कर लेनी है, आप देख सकते हैं ये मैंने एक AC का ऑब्जेक्ट जो है ये इंपोर्ट करा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी उड़ा हुआ है। तो एक बार हम दोबारा रीनिंग बिट मैप कर लेते हैं, आपको दोबारा याद आ जाएगा कि हमने कैसे करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कितने सारे मिसिंग जो टेक्सचर हो चुके हैं। आपको ब्राउज करना है, आपको इस फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना था, जैसे कि ये AC में था। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक करूँगा और इसके टेक्सचर जो है वापस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये रीनिंग बिट मैप का पहला जादू है। तो अब मैं आपको दूसरा जादू कर दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसको हमने क्या करना है, ये सिलेक्ट है, हमें यहाँ से करना है कॉपी और दूसरे वाले जो हमारी स्क्रीन है वहाँ पर हमें जाकर कर देना है इसे पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी ये आ चुका है।
तो इसके अलावा कॉपी पेस्ट का और आपके पास कोई तरीका नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई मॉडल बनाया है और आप दूसरे मॉडल में से उस मॉडल को अपने मेन मॉडल में लाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये फायदा है इसका, कॉपी एंड पेस्ट का। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।